हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आइए देखते हैं कि गूगल शीट में ये देख सकते हैं, एक हमारे पास डेटा है जिसमें नेम ऑफ स्टूडेंट है, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस एसएसटी और टोटल इसका किया हुआ है हमने सम फॉर्मूले की मदद से। यहाँ पे टोटल किया हुआ है देख सकते हैं आप, और यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट किया है एवरेज फॉर्मूले की मदद से, और फिर यहाँ ग्रेड कैलकुलेट किया है इफ फॉर्मूले की मदद से। अब यहाँ पर तमाम ग्रेड्स है, ए प्लस प्लस है सबसे हाइएस्ट, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, और फिर जो इन सब में से कोई भी ना आए वो फेल्ड। तो ये हमें पता करना, आप देखिए पता क्या करना है, एक हमारे व्यूअर है जिनका सवाल है कि ग्रेड तो आपने कैलकुलेट कर दिया है लेकिन हमको ये पता करना है कि कितने बच्चों को ए प्लस प्लस मिला, कितने बच्चों को ए मिला, कितने बच्चों को बी मिला, या कितने बच्चे फेल हुए, इस तरह की चीजें कैलकुलेट करनी है नीचे। तो ये कैसे होगा, तो देखिये यहाँ पर अलग अलग ग्रेड को अलग अलग कलर में हाईलाइट कर रखा है हमने। ए प्लस प्लस जिन बच्चों का ग्रेड है उसको येलो कलर में हाईलाइट किया है, बी को रेड कलर में हाईलाइट किया है, डी को ब्लैक कलर में किया है, इसी तरह से सी को व्हाइट में, और फेल्ड वाले को ब्लू कलर में कर दिया है। तो अभी हम यहाँ पर कैलकुलेट क्या करने वाले हैं, अभी हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि कितने बच्चों को ए प्लस प्लस ग्रेड मिला। तो यहाँ पर काउंट इफ फॉर्मूला आपको लगाना है, तो सी ओ यू एन टी काउंट इफ फॉर्मूला ये लगा दिया हमने। और अब हमें करना क्या है, ये पूरी रेंज आप सेलेक्ट कर जाइए, ये जो रेंज है ना ये पूरा का पूरा सेलेक्ट कर जाइए, और एक भी कम ना होना चाहिए ना एक भी ज्यादा होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा, एक भी कम भी नहीं एक भी ज्यादा भी नहीं। तो यहां तक पूरा ले लिया हमने, कॉमा देंगे और डबल डॉटेड कॉमा ओपन करेंगे, यहां पर लिखेंगे ए प्लस प्लस, ठीक है। इस कॉमा को क्लोज करेंगे, डबल डॉटेड कॉमा जो ओपन किया था अब इसको बंद करेंगे, अब एंटर प्रेस करेंगे, तो यहां पर देखिए 7 रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। क्या इसको हम ड्रैग करें नीचे तो हमारा काम हो जाएगा, आइए देखते हैं क्या होता है। तो इसको ड्रैग भी कर दिया हमने, तो चलिए ये देखते हैं कि A++ वाले 7 स्टूडेंट हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं राम का A++ है एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह और ये सात, येलो कलर में जो भी हाईलाइट है वो 7 स्टूडेंट है। तो ये 7 स्टूडेंट यानी कि ये तो सही है। अब A की बात कर लेते हैं, अब A वाला यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखिए तीन ग्रीन कलर वाले A हैं, तो तीन एक चार, एक पांच, एक छह, एक सात और ये एक आठ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए वाला आठ है लेकिन यहाँ पे छह दिखा रहा है, तो ए वाला हमको वापस से काउंट इफ फॉर्मूला लगा करके कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे लगाया सी टी आई एफ, काउंट इफ लगा दिया हमने, और काउंट इफ लगाने के बाद यहाँ पर ए प्लस प्लस के बजाय ए ग्रेड कर देंगे, क्या करेंगे ए ग्रेड। तो यहाँ पे ए लगा दिया हमने, ब्रैकेट को क्लोज किया, इन डबल डॉटेड कॉमा भी क्लोज कर दिया, और अब एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे कुल मिला के आठ है, तो काउंट करिए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ है ना, ए वाले आठ है, मैंने हाईलाइट भी कर रखा है इसीलिए ग्रीन कलर में। तो यहाँ पे आठ आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं बी ग्रेड, बी ग्रेड वाला यहाँ पे पांच दिखा रहा है, कितने बी ग्रेड है, एक ही है, ठीक है। तो इसको भी चेंज करना होगा, यहाँ पे फॉर्मूले को एडिट करने के लिए F2 प्रेस कर लीजिए और यहाँ पर खाली आप दे दीजिए बी, ओके लाइक यहाँ पे दे दीजिए बी और अब एंटर प्रेस कर दीजिए। तो देखिए बी ग्रेड वाला एक ही है, यहाँ पे आ गया अपने आप। अब यहाँ पे सी की बात कर लेते हैं, तो फॉर्मूले को F2 प्रेस करके और एडिट कर लीजिए और यहाँ पर क्या कर दीजिए सी ग्रेड कर दीजिए, बी हो गया, अब सी कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये सी वाले जो है दो हैं, काउंट करिए सी वाले को व्हाइट कलर में हाईलाइट किया है, तो ये देखिए एक दो, अब ऊपर कहीं भी नहीं है नीचे कहीं भी नहीं है देख सकते हैं। फिर यहाँ पे डी वाले की बात करते हैं, तो F2 प्रेस करिए और यहाँ पर आप दे दीजिए डी ग्रेड, ठीक है। तो ये डी वालों की स्थिति है, कितने बच्चे डी ग्रेड है, एक बच्चा है, देख लेते हैं काउंट कर लेते हैं डी ग्रेड। यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक कलर में हाईलाइट कर रखा है मैंने डी ग्रेड को, तो एक ही बच्चा है जिसने डी ग्रेड प्राप्त किया है, तो एक आ गया यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं फेल्ड वाले की, तो यह करते हैं F2 प्रेस करके और यहाँ पर आप फेल्ड लिख देंगे, अपने हाथ से ही टाइप कर देंगे फेल्ड, या आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं, तो F A I L E D फेल्ड लिख दिया हमने और अब एंटर प्रेस किया, तो एक ही बच्चा फेल भी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू कलर में हाईलाइट कर दिया मैंने, एक ही बच्चा फेल है। तो आई होप कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि ये कैसे कैलकुलेट करना है, और अगर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।